place where they told you what to chase. हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप में जितेंद्र। दोस्तों आज जो है हम करने वाले हैं सैपल का एक और फीचर, जो कि मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने इसकी बनाई थी ना सैपल की इन डेप्थ रिव्यू जिसमें बनाया था, तो मैंने कहा था एक IoT फीचर भी है, एक मोबाइल ऐप फीचर भी है, जिससे कि आप जो है मोबाइल को इजिली कंट्रोल कर सकते हैं वाइल राइडिंग। बहुत सारे ऐसे फीचर है वो भी इस वीडियो बताएंगे, एंड साथ ही साथ जो लास्ट वीडियो में डाउट था ना वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चन थे, तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट जेन्युइन क्वेश्चन थे वो सारे इस पॉइंट में इस वीडियो में कवर होने वाले। तो मेक श्योर इस वीडियो का जो देखिएगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों फीचर स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके टाइम टाइम आ सके। दोस्तों फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऐप से, पहले आपको ऐप डिटेल देता हूं, बाद में बाकी पॉइंट्स भी कवर करेंगे। तो सैपल का एक ऐप जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप ऐप स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं इजिली, इस तरह से है। एंड यहाँ पे इसमें USB-C टाइप जो है इसमें लगता है, तो आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, देन ओके कर दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें मोबाइल भी आप फोल्ड कर सकते हैं, तो इस तरह से जो है आपको विजिबिलिटी जो है आएगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको दो चीज़ दिखाई दी होगी, यहाँ पर एक जॉयस्टिक है जिससे आप जो है इस ऐप को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, एंड मल्टीपल फीचर आपको देख रहे होंगे। अभी फीचर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों पहले मैं आपके बारे में बताता हूँ, फिर कैसे यूज़ करते हैं वो भी डिटेल दूंगा। तो कुछ आप देख रहे हैं, ये जो है मेन पेज है सैपल का, एंड यहाँ पर आपको डिग्री दिख रहा है, वेदर का दिख रहा है, टाइम एंड डेट्स, बाकी डिटेल दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक मेन्यू भी है, यहाँ पर राइडिंग टाइम और कितना किलोमीटर आपने कवर किया वो भी डिस्टेंस दे रहा है, एंड यहाँ पर आपको कैलेंडर भी दिखाई दे रहा है, एंड साथ ही साथ जो है आपको कैसे यूज़ करना है ना उसकी डिटेल्स भी दे रखी है। इसका जॉयस्टिक कैसे यूज़ होगा, एंड ये जो प्ले एंड जो स्टॉप का बटन है वो किस तरह से होगा, एंड क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, म्यूज़िक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेशन का कॉल पेज, ठीक है, बाकी सब कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सारी डिटेलिंग जो है एरोस के हिसाब से दिया हुआ है। तो जॉयस्टिक की अगर बात की जाए, तो आप अगर जॉयस्टिक को डबल क्लिक करते हैं, डबल डबल वन साइड करेंगे, तो आपको ये मूव करता है, ये देखिए। तो आप इसी तरह से जैसे आप राइड कर रहे हैं तो आप इस तरह से जो है ईजिली इसको हैंडल कर सकते हैं। ये म्यूज़िक पेज है, म्यूज़िक पेज से आप स्पॉटिफाई के थ्रू जो है जो म्यूज़िक है वो आराम से सुन सकते हैं। अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो आपको, तो यहाँ मैंने म्यूज़िक आप सुनते हैं। अगर मेरे को वॉल्यूम अप करना है तो वॉल्यूम के लिए मेरे को इसको होल्ड करके ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, एंड म्यूज़िक डाउन करना है तो यहाँ से मैं म्यूज़िक डाउन भी कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ भी चीज़ें इस पर स्क्रीन पर टच करके करने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक वर्क जो है आप इसमें कर सकते हैं। तो यहीं से जो है म्यूज़िक को पॉज कर सकता हूँ मैं, ये देखिए म्यूजिक अभी पॉज हो गया, एंड बाकी फीचर भी जो है मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये नेविगेशन का है पेज, तो आप नेविगेशन जो है इजीली सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ अपना जो है डेस्टिनेशन डाल के सर्च कर सकते हैं, एंड चाहें तो आप डायरेक्टली जो है रीसेंटर करके जहाँ भी आपको जाना है आप मैप में भी जो है लॉन्ग प्रेस से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर कोई भी नाम पर अगर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया, एंड यहाँ पे आप स्टार्ट कर दीजिए, एंड दैट्स इट। आप इस नेविगेशन को जो है इजीली यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कॉल भी जो है यहाँ से लगा सकते हैं। कॉल जो है इसी स्विच से जो है राइट और लेफ्ट से जो है कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर मैं भी अभी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ सारे फीचर, मैंने भी 100% इस ऐप को यूज़ नहीं कर पाऊँ, बिकॉज बहुत सारे फीचर्स जो हैं ऐप में दिए हुए हैं, जो कि आप वाइल्ड राइडिंग जो है इसको ईजिली जो है यूज़ कर सकते हैं इस ऐप को। एंड दोस्तों म्यूज़िक के बाद में एक और टैब है जहाँ पर जो है आपको बेसिक और डिटेल मिल जाएगी, लाइक कैलेंडर है, आप कैलेंडर देख सकते हैं, आप टेम्परेचर देख सकते हैं, बाकी न्यूज़ रीडिंग है, रेडिट करके भी है, ये भी ऐप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल जो है आप जब आप स्टैंडिंग मोड में हैं तो आप ये आराम से जो है रीड भी कर सकते हैं, ये भी एक फीचर दिया हुआ है। दोस्तों ये तो आपने देखे बेसिक फीचर्स, अब जो है मैं थोड़ा राइड कर दिखाता हूँ किस तरह से जो आप राइडिंग के टाइम पे जो है बेसिक फीचर जो है कंट्रोल करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। दोस्तों अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको, देखते हैं कैसा ये वर्क करता है। दोस्तों वैसे तो अवॉइड करना चाहिए बाइक के टाइम पे जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बट आप बेसिक फीचर जो है जो कॉल है या फिर नेविगेशन फीचर है जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं वो आप इसमें ईजिली जो है आप स्विच कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा यूज़ टू होना पड़ेगा, अगर आप एक दो और प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो इसके कंट्रोल है उसको आप ईजिली कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसमें एक और फीचर है, अगर आप न्यूज़ एंड इन्फो पेज पे हैं और अगर आप राइड स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं राइड स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे ही आप 10 की स्पीड से ज़्यादा जाएंगे
तो डायरेक्टली जो है आप नेविगेशन पेज पे आ जाएंगे। तो ये जस्ट फॉर सेफ्टी बनाया हुआ है। आई होप दोस्तों आपको ये जो IoT फीचर है, मोबाइल फीचर है सैपल सील का, वो आपको क्लियरली आइडिया हो चुका हो। इसके बैटरी के थ्रू कुछ भी आपको नहीं देना, ये डायरेक्टली आपके मोबाइल में कनेक्ट होता है एंड इसके बैक साइड में ही दिया गया है। तो दोस्तों अब बारी आती है लास्ट वीडियो में जो मैंने इनडेप्थ रिव्यू किया था सैपल शील्ड का, उसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, बहुत सारे अच्छे कमेंट भी आए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बोली। तो दोस्तों पहले तो ये था कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे थे कि हाई स्पीड में जो डिसबैलेंसिंग का इशू है वो तो नहीं रहेगा। तो दोस्तों एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने जो है इसको कोस्टल रोड पे किया था, कोस्टल रोड जो सी साइड के पास में रोड होता है ना जहाँ विंड ब्लास्ट सबसे ज्यादा होता है, उस रोड पे किया था। तो वहां पर मैंने 110, 120, 130 तक किया था, मैंने वीडियो में 110 तक दिखाया था मैक्सिमम, क्योंकि तो वहाँ की स्पीड लिमिट होती है, इसकी वजह से मैंने 110 तक ही मैक्सिमम दिखाया। एंड अगर आप 100, 110, 120 तक चला रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ने खुद जो है 140 किलोमीटर पर आवर तक जो है इसको टेस्ट किया हुआ है। तो विंड ब्लास्ट जो है अगर इसका मूवमेंट होता है उससे प्रॉब्लम नहीं है, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि मूवमेंट जो है बहुत हल्का बने, बट उसकी वजह से बाइक जो है डिसेबल नहीं होती बिकॉज इसका लाइट वेट बहुत ज़्यादा है। ऊपर पूरा आपको लाइट वेट मिलेगा, ऊपर पूरा लाइट वेट, और जो बॉटम है इसका वो थोड़ा हैवी बनाया हुआ है, जिसकी वजह से बाइक जो है डिसबैलेंस ना हो। ऊपर वाला भले ही हल्का फुल्का जो है विंड जो है एरोडायनेमिक की वजह से हल्का हल्का हिले, बट जो बाइक है आपकी बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होती। तो ये तो भाई दोस्तों पहला राउंड। दूसरा राउंड जो आ रहा था वो था बारिश को लेके। दोस्तों बारिश हमेशा फ्रंट से ही नहीं आती है, मल्टीपल एंगल से आती है, तो फेंकने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसे लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे थे। यस दोस्तों मैं भी एग्री करता हूँ, मल्टीपल एंगल से आती है, सिर्फ फ्रंट से ही नहीं आती बारिश, बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है जो आपको कम्फर्ट के लिए बनाया गया है। जब आप राइड कर रहे हैं तो आप कम्फर्टेबली राइड कर सकें, जो वो आंखों में प्रॉब्लम आती है जो एकदम तेज से जो हैवी रेन पे जो बॉडी लगती है वैसा प्रॉब्लम जो है राइडर को फेस ना हो। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% जो है प्रोडक्ट करती है, इवन कंपनी भी ऐसा नहीं बोलती, कंपनी ने भी हैवी रेन पे इसको टेस्ट किया हुआ है, टेस्ट करने के बाद में ही ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है इस तरह से बनाया हुआ है कि आप 70-75% जो है गीले ना हो। अगर आप हाई फ्लैप के साथ यूज़ करते हैं तो आपका लेग एरिया जो है वो गीला ना हो, ठीक है, आपका अपर एरिया जो है वो गीला ना हो, एंड आप कम्फर्टेबली हैवी रेन में भी जो है आराम से विजिबिलिटी के साथ राइड कर सकें। दोस्तों जल्दी जो है मैं इस बाइक के साथ में, इस सील्ड के साथ में एक राइड प्लान कर रहा हूँ, तो राइड के टाइम में बहुत सारे डाउट जो होंगे वो भी कवर करेंगे। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो अगेन सैपल शील्ड की जो इनडेप्थ रिव्यू मैंने बनाई थी वो जाके देखिए, एंड उसमें कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वो डाउट भी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट ही रखते हैं, कोई डाउट एंड क्वेरी है अगेन बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन टोटली यूज करिए, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए इसका बाय लिंक अगर आप बाय करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को, एंड यहाँ वीडियो कनेक्ट करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखिए प्रोडक्ट को, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। बाय।